गुड मॉर्निंग, ये एड्रेस मैं मिजोरम गवर्नमेंट से करता हूँ। मिजोरम की कोई एसोसिएशन है जिन्होंने एक फतवा जारी किया है कि कोई भी बंगाली ड्राइवर मिजोरम में गाड़ी नहीं चला सकता है? मैं आई एम एडवोकेट नृपेंद्र रॉय, आई एम आस्किंग मिजोरम गवर्नमेंट टू बैन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इमीडिएटली अरेस्ट ऑल द पीपल हु आर होल्डिंग द पोस्ट इन दिस एसोसिएशन। इस तरह के इंडियन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू कैनॉट से यू कैनॉट मेक एनी रूल और एनी फतवा वट एवर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्लास रेस रिलीजन एंड सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अगर आप लोगों ने 10 दिन के अंदर ये फतवा को विड्रॉ नहीं किया और अरेस्ट नहीं किया, कोई भी मिजोरम की गाड़ी यहाँ से लोग जाने नहीं देंगे। कोई गैर कानूनी चीज से लड़ने के लिए पहले चेतावनी देता हूँ, उसके बाद गवर्नमेंट ने इस पर कोई सुराग नहीं किया तो हम लोग भी गैर कानूनी चीज कर सकते हैं ना। ये दिस इज द रूल ऑफ लॉ। यहां पे आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? और क्या कर रहे मिजोरम गवर्नमेंट, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक? 10 दिन का टाइम दिया, 10 दिन, 10 दिन के अंदर नहीं हुआ, कोई भी मिजोरम की गाड़ी बंगाल के ऊपर से नहीं जाएगा। मिजोरम में ड्राइवर्स एसोसिएशन এবং জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি, তারা যেরকম ব্যবহার করছে যে আমাদের আসামে তথা বরাকভেলির যে বোলেরো পিক আপ গাড়িগুলো বা গাড়ির ড্রাইভারগুলো মিজোরামে উঠতে দেবে না, এবং মিজোরামে উঠতে দেবে না এটা কী ব্যাপার? এটা তো খুব ধিক্কারজনক ঘটনা, এটা আমরা জানি না। মিজোরাম আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য, আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যতে যদি আমাদের ড্রাইভার আমাদের গাড়ির মালিকগুলা ব্যবসা বাণিজ্য করতে না পারে, তাহলে এটা মিজোরাম সরকার আর আসাম সরকারের কাছে আমাদের আবেদন যে দুই সরকার মিলে এই যে এটা ব্যবস্থা একটা ব্যবস্থা নিতে, যে তড়িগড়ি করে এটা একটা সমাধান বাহির করার অনুরোধ রইল আমাদের। আর যদি দুনু সরকারে মিলিয়া সমাধান না করে তাহলে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।